राधे राधे सबको, कैसे हैं सब लोग। आइए आज हम बनाते हैं एक हेल्दी डिश जो सबको पसंद आएगा। तो हम लेंगे भीगा हुआ चना और इसको हम छान लेंगे। भीगा हुआ चना है और इसको मिक्सर में पीसेंगे हम। इसमें थोड़ा हरी मिर्च डालेंगे और लहसुन और एक अदरक का टुकड़ा और इसमें थोड़ा नमक डालेंगे और इसको हम पीस लेंगे मिक्सर में। थोड़ा सा इसमें पानी डालेंगे और इसको पीस लेंगे ढक्कन बंद करके। थोड़ा इसको दरदरा ही पीस लेंगे, ज़्यादा महीन नहीं करेंगे। पीस के इसको हमने थाली में निकाल लिया है और इसमें थोड़ी हल्दी डालेंगे और थोड़ा सा इसमें चावल का आटा डालेंगे, 2 चम्मच, ज़्यादा नहीं, बस 2 चम्मच। और कटा हुआ प्याज डालेंगे इसमें, बारीक कटा हुआ प्याज। और इसमें आटा डालेंगे, सादा आटा जो गेहूं का होता है। और फिर इसको हम हाथ की मदद से पूरा आटा गूंथ लेंगे। और इस तरह से पूरा इसको मिक्स कर लेंगे हम। सब मिक्स हो चुका है। एक तवा लेंगे और तवा पे चारों तरफ तेल लगा देंगे। तवा गर्म हो चुका है और तेल गर्म होने के बाद इस पे छोटे छोटे बॉल्स रखेंगे हम। बैटर से थोड़ा थोड़ा बॉल उठाएंगे, बॉल जैसा बना के, और इसको फिर तवे पे रख देंगे। इसको दबा के पतला कर देना है और ऐसे ही कई सारे बॉल रख देंगे इस पे चारों तरफ। और ये सेक चुका है और इसको धीरे धीरे हम दूसरी साइड भी सेकेंगे ऐसे। और ये दोनों तरफ सेक चुका है और इसको हम पक चुका है अच्छे तरह से। और ऐसे ही हम एक बहुत बड़ा सा बनाएंगे, हाथ की मदद से इसको बड़ा करेंगे। और हाथ में चिपकने लगे तो इसमें हाथ में थोड़ा पानी लगा करके तब इसको दबाएं। और ये पक चुका है और इसको हम पलट लेंगे दूसरे तरफ भी। अब ये सिक चुका है और इसको हम निकालेंगे, इसको उतार लेंगे और इस तरह हम इसको सर्व कर लेंगे। और आप सॉस के साथ, खट्टी चटनी के साथ, किसी भी चीज़ के साथ खा सकते हैं इसको। ये बहुत ही हेल्दी है और टेस्टी भी है, आप ज़रूर ट्राई करें।